Kashif Tech present, please like and subscribe. ऑलराइट गाइस, प्रीव्यू वीडियो देख लिया, अब चलिए एलाइट मोशन की ओर बढ़ते हैं। तो डिस्क्रिप्शन से आप एलाइट मोशन पे बिटमार प्रोजेक्ट को इनपुट कर लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अब आपको बिटमार को ओपन करना है। जैसे आप बिटमार को ओपन कीजिएगा, इसमें आपको ढेरों सारा लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को कैसे क्रिएट करना है चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको 6 इमेज को एडिट कर लेना है। 9x16 रिजोल्यूशन पे इस वीडियो में टोटल आपका 6 फोटो यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट वाली फ़ोटो पे क्लिक करके कलर एंड फिल पे क्लिक करना है, और इस एरो पे क्लिक करके जिस भी फोल्डर में आपका इमेज रहेगा वो फोल्डर को ओपन करना है, और फोटो को सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट वाला जो फ़ोटो रहेगा वो आपका स्क्रीन पर ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपको डबल बिट में आ जाना है। आप डबल बिट में आने के बाद प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके नेक्स्ट इमेज को सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, कॉपी लेयर पे क्लिक करके फ़ोटो को डिलीट कर देना है। अब फोटो डिलीट हो जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आ जाने के बाद गाइज इसमें आपको ढेरों सारा लेयर देखने के लिए मिलेगा। तो एक एक करके आपको सभी लेयर को प्रेस करना है फिंगर की मदद से। तो इस बिट में कितना लेयर को आपको कॉपी करना है चलिए बताते हैं। तो आपको कॉपी कर लेना है टोटल आपको 20 लेयर। देख पा रहे ऊपर पे आपको लिखा हुआ देखने के लिए मिलेगा 20 लेयर सेलेक्ट। तो आपको भी 12 लेयर को सेलेक्ट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है। इसके बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए स्क्रीन पे मिल जाएगा। एक एक करके सभी ऑप्शन को म्यूट कर देना है। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा कलर एंड फिल वाला, ये वाला ऑप्शन आपका ऑन रहेगा, और आपको पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन पर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट डबल बिट में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके थर्ड इमेज को ऐड करना है, फिर से प्लस पे क्लिक करके फोटो का लेयर को कॉपी करके इस फोटो को डिलीट कर देना है। थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब नीचे आ जाने के बाद करना क्या है कि एक एक करके आपको लेयर को करना है कॉपी। देख पा रहे जिस प्रकार से हम कर रहे हैं सेम आपको भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है। तो इस बिट में टोटल आपको 4 लेयर को सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करना है, और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस टाइप से आपको स्क्रीन पे इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट बिट में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करके नेक्स्ट फोटो को स्क्रीन पे ऐड करना है, और इसका भी लेयर को कॉपी करके फ़ोटो को कर देना है डिलीट। अब फोटो डिलीट करने के बाद करना क्या कि फिंगर की मदद से एक एक करके लेयर को सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट वाले लेयर में हमारा सेलेक्ट हुआ था टोटल 12 लेयर, और सेकंड वाले लेयर में हमारा सेलेक्ट हुआ था 4 लेयर। तो इस लेयर इस बिट में हमारा सेलेक्ट होगा टोटल 6 लेयर। तो प्लस पे क्लिक करना है, पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करके आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आ जाना होगा 72nd पे जो डबल बिट है, और इसमें आपको टोटल आपको 4 लेयर को सेलेक्ट करना है। कैसे करना है चलिए बताते हैं। सबसे पहले आप इमेज को सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिएगा, फ़ोटो को डिलीट कर देना है। फ़ोटो डिलीट हो जाने के बाद फिंगर की मदद से एक एक करके लेयर को करना है सेलेक्ट। 4 लेयर सेलेक्ट करने के बाद प्लस पे क्लिक करके आपको पेस्ट कर देना है। तो इफेक्ट आपका स्क्रीन पे ऐड हो जाएगा। अब आपको 90 सेकंड पे आ जाना है, और इसमें आपको एक फ़ोटो को ऐड करना है। चलिए भी ऐड करके बता ही देते हैं ताकि वीडियो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट वाला फ़ोटो बचा, इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद करना क्या कि फिंगर की मदद से एक एक करके सभी लेयर को सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से हम सभी लेयर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस इस बिट में टोटल आपको 7 लेयर को सेलेक्ट करके प्लस पे क्लिक करना है, और आपको पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली वीडियो बनके हमारा रेडी हो चुका है। अब आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप राइट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लीजिएगा।